सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग फातिमा में माता मरियम का दर्शन के विषय में मनोचिंतन करेंगे। 13 मई से लेकर 13 अक्टूबर तक हर माह का 13 तारीख को माता मरियम ने 3 बच्चों को, लूसी, उनके कजिन्स फ्रांसिस्को एवं जेसिंदा को, हर माह का 13 तारीख को ऐसा 6 बार दर्शन दिया। माता मरियम के इस दर्शन के पूर्व में एक साल पहले अर्थात 1916 में एक स्वर्गदूत इनको 3 बार दर्शन दिया। स्वर्गदूत अपने हाथ में युक्रस्तीय प्रभु ईसा मसीह को और कटोरे में प्रभु ईसा मसीह का लहू लेके आते हैं, रोटी और दाकरस, प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त वो इस प्रकार हवा में छोड़ता है। इसके बाद घुटना टेककर इन बच्चों के साथ प्रभु की आराधना करते थे। इस प्रकार 3 बार इन बच्चों को दर्शन मिला। बच्चों ने इस बात को गुप्त रखा क्योंकि उनको फिर उधर कोई भेजेंगे नहीं। ये तीनों बच्चे भेड़ बकरियों को चराते थे। तो उस बीच में स्वर्गदूत दर्शन दे करके उसे स्वर्गदूत का एंजल्स फातिमा प्रेयर भी कहते हैं, पापियों का मन परिवर्तन के लिए, उसके लिए प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, यही मैसेज वहां पर दे रहे थे। इसके बाद 1917 में मई महीने का 13 तारीख को इनको पहली बार माता मरियम का दर्शन मिला। बच्चों ने देखा माता मरियम एक सफेद वस्त्र पहन करके, जिस वस्त्र का किनारे पर गोल्डन कलर का बॉर्डर दिख रहा था और उनका चेहरा एकदम सूरज के समान चमक रहे थे और हाथ में रोजरी था। बच्चों को हर रोज भक्ति के साथ रोजरी करने और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया। हमें मालूम है 1917 विश्व महायुद्ध चल रहा था। विश्व महायुद्ध खत्म हो जाए, संसार में शांति आवे, इसके लिए हर रोज प्रार्थना करो, रोजरी जपो, मां मरियम यही आग्रह करते थे और बच्चों के साथ रोजरी करते थे। जब 13 मई को जब दर्शन दिया, लूसी और जेसिंदा मां मरियम को देख रहे थे, फ्रांसिस्को को नहीं दिखाई दे रहा था। तो फ्रांसिस्को बहन से और लुसिया से पूछने लगे, तुम लोग किससे बात कर रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लूसी ने मां मरियम से पूछा, हम लोग तो आपको देख रहा है लेकिन फ्रांसिस्को क्यों नहीं देख रहा है। मां मरियम ने उत्तर दिया, क्योंकि वह रोजरी नहीं करते हैं, जब वो रोजरी करना शुरू करेगा तब मेरा दर्शन मिलेगा। तुरंत फ्रांसिस्को वहां घुटने टेकते हैं, रोजरी करना शुरू किया और मां मरियम ने अपना दर्शन उसको भी दिया।
इसके बाद हर महीने का 13 तारीख को वहां पर पहुंचने के लिए मां मरियम ने आग्रह किया। वो जगह है जहां इन लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया, कोवादा एरिया कहते हैं। फातिमा के उस जगह पर दर्शन मिलते थे। इसके बाद विश्व शांति के लिए तुम लोगों को प्रार्थना करना है। और जून 13 तारीख को जब दूसरी बार जब दर्शन दिया, उस समय पर उनको एक और खबर दिया, फ्रांसिस और जसिंदा को जल्दी स्वर्ग में बुलाएंगे। और इस संदेश को संसार को देने के लिए और मां मरियम के निष्कलंक हृदय का भक्ति बढ़ाने के लिए लूसी को इस संसार में और ज्यादा दिन रहना है, यह संदेश दिया 13 जून को। जपमाला रानी के आदर में यदि तुम रोज रोसरी प्रार्थना करोगे तो इस संसार में शांति आ सकता है। तो मिल करके शांति के लिए रोजरी प्रार्थना करने के लिए मां मरियम बार बार इनसे आग्रह किया। जुलाई महीने के समय पर इन लोगों को 3 सीक्रेट्स रहस्यों को बता कर दिया। उस समय पर उसको गुप्त रखे थे, लेकिन एक एक कर करके तीनों रहस्यों का खुलासा कलीसिया ने अभी कर दिया है। उनमें से एक रहस्य था रशिया का मन परिवर्तन के लिए। रशिया का परिवर्तन होना है, मन परिवर्तन होना है, इसलिए रशिया को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में अर्पित करो। कई संत पापा लोगों ने रशिया को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित किया था और रशिया का परिवर्तन आज रशिया में जो परिवर्तन हम लोग दिख रहा है वो इस प्रकार का प्रार्थना का एक परिणाम भी है। और 13 जुलाई को जब दर्शन दिया, उसका एक और खासियत है रोजरी प्रार्थना का, हर भेद हर डेकेड के बाद एक प्रार्थना इन बच्चों को सिखाया, जिसे हम लोग फातिमा प्रेयर कहते हैं। ये 13 जुलाई को इन बच्चों को सिखाया था वो प्रार्थना, हर भेद के बाद जो हम लोग करते हैं ये मेरे ईश्वर बोल करके, वो जो प्रार्थना जिसे हम लोग फातिमा प्रार्थना कहते हैं, 13 जुलाई को मां मरियम ने इन बच्चों को सिखाया। और अगस्त 13 तारीख को बच्चों को उस जगह पर जाने नहीं दिया। उस दिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद करके रखा। इसके बाद 2 दिन के बाद छोड़ा। छोड़ने के बाद 19 तारीख को फिर से बच्चे वहां पर पहुंचे। उस समय पर बहुत भीड़ भी थे वहां पर। 19 तारीख को उस महीने में दर्शन दिया और जहां नॉर्मल जाते थे उस जगह पर जाने नहीं दिया, इसलिए एक दूसरे जगह बच्चे गए थे, वालिनहोस बोलते हैं, वहां पर उनको दर्शन दिया। और मां मरियम ने अपना नाम नहीं बताए और सब लोगों के लिए एक चिन्ह अक्टूबर महीने में देंगे करके मां मरियम ने अगस्त में कहा। इसके बाद सितंबर में भी दर्शन हुआ। अक्टूबर 13 तारीख को इसलिए क्योंकि मां मरियम ने अगस्त महीने में ही कहा था अक्टूबर में बता देंगे, तो अक्टूबर महीने में करीब 30,000 से 1,00,000 लोगों के बीच में वहां भीड़ था। कहते इतना भयंकर भीड़ में मां मरियम ने लोगों के सामने, सब लोगों को दर्शन नहीं मिला, उनमें से भी कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला, इस प्रकार का था। तो मां मरियम, संत जोसेफ और बालक यीशु, पवित्र परिवार का, होली फैमिली का दर्शन उन लोगों ने सूरज में देखा। इसके बाद कुछ लोगों को सूरज एकदम नीचे गिरता हुआ, कुछ लोगों को सूरज डांस करता हुआ,
इस प्रकार दर्शन मिला है। इसलिए जो फातिमा के दर्शन को डांसिंग सन का जो चमत्कार है ये भी कहते हैं। तो 13 अक्टूबर तक, 13 मई से लेकर हर महीना इस प्रकार दर्शन देते हुए, केवल अगस्त महीने में 19 तारीख को, क्योंकि पुलिस ने उन्हें जेल में बंद किया था, बाकी हर एक महीने में 13, हर महीने का 13 तारीख को दर्शन दिया और कुछ न कुछ संदेश और उनके साथ प्रार्थना, और विशेषकर ये था विश्व शांति के लिए रोसरी जपना है। तो हमें हर रोज का रोजरी प्रार्थना जो है विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना करना है, हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करना है। हर रोज हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे सभी मिनिस्टर्स, सभी अधिकारियों के लिए हर रोज के रोजरी प्रार्थना में हमें समर्पित करना है, तब हमारे देश में शांति आ सकता है। हर धर्मावलंबी के लिए, हर धर्म गुरुओं के लिए हमें रोजरी माला में प्रार्थना करना है, उन्हें अर्पित करना है, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में अर्पित करना है, तब विश्व शांति होगा। मां मरियम ने यह संदेश फातिमा पोर्तुगल में दिया था। जिस प्रकार मां मरियम ने जून महीने में कहा था, इनका जो फ्रांसिस और जसिंदा का मृत्यु जल्दी होगा, वो स्वर्ग जल्दी जाएगा, उसी प्रकार 1918 में जो सारे संसार में जो फ्लू फैल गया था, 2-3 वर्षों तक वो फ्लू रहा, उसी के अंदर इनका मृत्यु होते हैं। 10 साल की उम्र में 1919 में 4 अप्रैल तारीख को फ्रांसिस का देहांत हुआ और 20 फरवरी 1920 में 9 साल की उम्र में जसिंदा का भी मृत्यु हुई। जिस प्रकार मां मरियम ने वहां पर बोला था जून महीने के 13 तारीख को फ्रांसिस और जसिंदा को जल्दी स्वर्ग में बुलाएंगे, इसी प्रकार 9 और 10 साल की उम्र में इनका मृत्यु हुआ था। और लूसी 14 साल की उम्र में एक सिस्टर बनने के लिए कॉन्वेंट ज्वाइन किया और उनका जीवन में जितना रहस्यों को जो बताया था वो धीरे धीरे खोलने लगा। और मां मरियम ने अनेकों बार इसके बाद भी लूसी को दर्शन दिया, विशेषकर 1925 में उनके कॉन्वेंट में जब दर्शन दिया, सारे संसार को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने, विशेषकर रशिया के लिए प्रार्थना करना, समर्पित करने के लिए, और फर्स्ट फ्राइडे का डिवोशन शुरू करने के लिए आग्रह किया 1925 में जब इनको दर्शन दिया। इस प्रकार फर्स्ट सैटरडे का डिवोशन मां मरियम के आदर में, फर्स्ट फ्राइडे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र हृदय का आदर में डिवोशन है। इसके बाद अगला दिन फर्स्ट सैटरडे को मां मरियम के आदर में हम लोग डिवोशन रखते हैं। उसके द्वारा संसार में शांति, परिवार में शांति सब आ सकते हैं। और 1929 में फिर से मां मरियम ने दर्शन देकर के रशिया को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करने का फिर से आग्रह किया। इसके बाद कई संत पापा लोगों ने रशिया को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित किया और कई इस प्रकार का दर्शन मां मरियम ने लूसी को इसके बाद दिया था। 97 उम्र में लूसी का देहांत 13 फरवरी 2005 में हुआ है। 2005 13 फरवरी को 97 साल के उम्र में उनका देहांत हुआ। और कलीसिया इस फातिमा के दर्शन को अप्रूव किया और इसको सही माना, और लोगों से भी यही कलीसिया आग्रह करते हैं, फातिमा माता के आग्रह के अनुसार सारे संसार में शांति के लिए रोज
रोजरी माला जपने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।